बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इस सिलसिले में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जेन में रहे कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शंस की हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उस डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। या आपको दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव दिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो मिक्स होके आ रहे हों तो फिर वो फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, अलबत्ता अगर हम वाई एक लहदा इसको निकाल लें, वाई को इसमें से निकल सकती है वैसे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे वाई सेपरेट, डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट नहीं निकल सकता होगा, तो वो इम्प्लिसिट फॉर्म होती है और उसकी डिफरेंशिएशन करनी जो है वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो इस वक्त वाई निकल अलहदा निकलने के बावजूद हम इसी तरह करेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। जो आप लैंग्वेज लिखेंगे वो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं इसका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और डेरिवेटिव आप कांस्टेंट का लेंगे 1 का। आपको फार्मूला याद है कि दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव जो है वो उनके डेरिवेटिव के सम के बराबर होगा। तो हम क्या लिख देंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर। ये आप सबको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। इसका डेरिवेटिव कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, याद है पावर रूल। एक्स रेस्ट पर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। तो यहां पावर रूल लगा, पावर नीचे उतर आई, एक्स की पावर टू माइनस वन आ गया। यहां कौन सा रूल लगेगा, यहां भी पावर रूल लगेगा लेकिन पावर रूल की एक्सटेंशन होगी। वो कौन सा रूल है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स की पावर एन है और इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, पावर नीचे उतर आई और पावर में से एक कम किया, फिर एक काम और होना है, जो फंक्शन है पावर के बगैर उसका भी डेरिवेटिव लेना है। ये एक्सटेंडेड पावर रूल है। बेसिकली हमने यहां भी किया है, एक्स की पावर एन में एन नीचे उतार के उसमें से एक कम करके एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया है, वो चुके वन था इसलिए हमने लिखा नहीं। क्लियर हो रही बात। एक्चुअली यहां भी यही किया है, एन निश्चित रहा एक्स की पावर एन माइनस वन, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव लिया और वो वन था वो लिखा नहीं, लेकिन फंक्शन अब इस वक्त वाई है, ज्यादा इसका डेरिवेटिव हमें लिखना पड़ेगा। तो एक्सटेंडेड पावर रूल जैसे मैंने आपको बताया, पावर नीचे उतर आई, वाई की पावर टू माइनस वन और फिर वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप टू कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स की पावर टू माइनस वन एक्स आ जाएगा, वाई की पावर टू माइनस वन वाई आ जाएगा, साथ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू जीरो। टू जब उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो बाय टू दैट विल बी जीरो। तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स ओवर वाई। तो ये हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की वजह से इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड किया है, जो क्वेश्चन ने कहा था डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें।